शहर के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में चंबल में डूबने से महिला समेत दो की मौत हो गई, जबकि एक युवक को डूबने से बचा लिया गया। बुजुर्ग महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। सबको MBS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि 18 साल के युवक के सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया है। पहली घटना किशोरपुरा थाना क्षेत्र की है। सुबह 8:30 बजे करीब मौजी बाबा मंदिर के पीछे चंबल नदी में एक बुजुर्ग महिला का ऊपरी सतह पर मिली, जिसे मौके पर मौजूद दोनों ने रस्सी के सहारे पकड़ लिया। निगम गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर महिला को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित किया। महिला की उम्र 60 से 62 साल के बीच बताई जा रही है। दूसरी घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की है। दोपहर में कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में नहाते समय दो युवक डूब गए। चीख पुकार सुनकर चंबल रिवर फ्रंट पर काम कर रहे मजदूर दौड़कर आए और एक युवक को पानी से बाहर निकाला, लेकिन दूसरा युवक गहराई में चला गया। सूचना पर निगम गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और 40 मिनट की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। मृतक युवक आकाश उर्फ गोलू उम्र 18 वर्ष सकतपुरा का निवासी था, जो अपने दोस्त बादल उम्र 17 वर्ष के साथ डाउन स्ट्रीम में नहाने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मैं आकर के देखा तो दो लड़के थे, एक को तो रिवर फ्रंट के जो काम करने वाले उन्होंने बचा लिया है, और एक लड़का जिसका नाम आकाश उर्फ गोलू है, की उम्र 18 साल है और रहने वाला सकतपुरा का है, वो डूब गया है। उसको निकाल के उसके पुलिस को सुपुर्द कराया, जो कुन्हाड़ी थाना पुलिस है, तो सुपुर्द कराया।